Well done guys, once again you all are welcome on Indian English Speaking Class 38. So guys, आज के डेट में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत सारे ऐसे हिंदी सेंटेंस जिसका इंग्लिश बनाना आपके लिए मुश्किल होता है, तो ये सारे आप इसमें आज सीखेंगे। सबसे पहला सेंटेंस आज का है, पेड़ लगाए जाते हैं। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे ट्रीज आर प्लांटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश इज टाट। नेक्स्ट है, उसे प्यार किया जाता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज लव्ड। नेक्स्ट है, हर जगह अंग्रेजी बोली जाती है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर। नेक्स्ट हिंदी सेंटेंस है, यहाँ प्रसाद बांटा जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सैक्रामेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। नेक्स्ट है, हमें पीटा जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी आर बीटेन। नेक्स्ट है, गेहूं को उपजाया जाता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वीट इज ग्रोन। नेक्स्ट हिंदी सेंटेंस है, घोड़े बेचे जाते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हॉर्सेस आर सोल्ड। नेक्स्ट हिंदी सेंटेंस है, बच्चे को सिखाया जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द चाइल्ड इज टॉट। नेक्स्ट है, पेड़ कटवाया जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्री इज कट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हिंदी में, मुझसे बुलवाया जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्पोक। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका हिंदी सेंटेंस है, गरीबों को परेशान किया जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पुअर आर ट्रबल्ड। नेक्स्ट है, लोगों को भ्रमित किया जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पीपल आर मिसगाइडेड। नेक्स्ट हिंदी सेंटेंस है, रोगियों को धोखा दिया जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पेशेंट्स आर चीटेड। नेक्स्ट हिंदी सेंटेंस है, गायों को कटवाया जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे काउज आर रियर्ड। नेक्स्ट हिंदी सेंटेंस है, उनको रोज नचाया जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे आर डांसेड डेली। नेक्स्ट हिंदी सेंटेंस है, रोज रात में डीजे बजाया जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डीजे इज प्लेड इन द नाइट डेली। नेक्स्ट हिंदी सेंटेंस है, गरीबों की सेवा की जाती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे पुअर आर सर्व्ड। नेक्स्ट हिंदी सेंटेंस है, कमरों की सफाई की जाती है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रूम्स आर क्लीन्ड। नेक्स्ट हिंदी सेंटेंस है, यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश इज टॉट हियर। नेक्स्ट इंग्लिश सेंटेंस है, यहाँ फोन बनाया जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फोन इज रिपेयर्ड हियर। नेक्स्ट है, बच्चों को पीटा जाता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे चिल्ड्रेन आर बीटेन। नेक्स्ट हिंदी सेंटेंस है, यहाँ लड़कियों को नचाया जाता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे गर्ल्स आर डांसेड हियर। सो गाइज, ये सारे के सारे सेंटेंस हैं जो आप इन्हें नोट करें और लर्न करके आप अपनी डेली लाइफ में यूज करें। ऐसे तमाम सेंटेंस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो कंटिन्यू हो जाएं, और मेरी गारंटी है कि आप अगर कंटिन्यू रहते हैं तो मेरे साथ चलकर आप इंग्लिश को आसानी से बोलना सीख सकते हैं। ऑलराइट, और हाँ, याद रखें कि इस चैनल पर कई सीरीज चलाई जा रही हैं, तो ट्रिक एंड ट्रांसलेशन की सीरीज में आप ये भी सीखेंगे कि इन सेंटेंसों को ट्रांसलेट करने का क्या ट्रिक होता है, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ग्रामर की बेहतर पढ़ाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ग्रामर के चैनल पर भी जाके आप ग्रामर की प्रॉपर पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।